नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम जानने वाले हैं ईपीएस 95 पेंशनर से रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट। तो फ्रेंड्स, बढ़ते अपडेट की तरफ। ईपीएस 95 पेंशनरों के संबंध में एनएसई की मांगों का समर्थन करने के लिए सभी माननीय ट्रेड यूनियन के माननीय नेताओं से अपील। एनएसई की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कमांडर अशोक राउत ने लिखा, दिनांक 13/1/2021 को सभी ट्रेड यूनियन के सम्मानीय नेताओं को पत्र। जी हाँ फ्रेंड्स, पत्र में माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी की अगुवाई में माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हुई मीटिंग में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दी गई आश्वासन का पत्र में जिक्र। जी हाँ फ्रेंड्स, कम से कम पेंशन, मिनिमम पेंशन के संदर्भ में एनएससी द्वारा उठाई गई एक की मांग ₹7,500 प्लस उस पर महंगाई भत्ता के लिए मांगा गया समर्थन। जी हाँ फ्रेंड्स, देश की प्रमुख प्रभावी यूनियन BMS इन TUC, HMS, ITU, AITUC, AIUTUC के माननीय अध्यक्ष महासचिव को लिखा पत्र। पत्र के साथ NSE के द्वारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को लिखा गया, दिनांक 31/12/2020 का पत्र। NSE के प्रस्ताव माननीय श्रीमती हेमा मालिनी, सांसद मथुरा द्वारा लिखा गया पत्र आदि सपत्र भेजे गए हैं। सभी ट्रेड यूनियन की ओर से NSE को सहयोग किए जाने की अपेक्षा। तो फ्रेंड्स, मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेगी।